दोस्तों जिम्बाब्वे जैसे छोटे टीमों के साथ अभी टीम इंडिया मैच खेल रहा है, अभी ओडीआई सीरीज चल रहा है जो कि पहला मैच हो रहा है, और वहां पर मैच के शुरुआती से जिम्बाब्वेन जो बैट्समैन हुए वो इंडिया के सामने लगभग घुटना टेक दिया था। हालांकि बाद में जिम्बाब्वे ने कुछ रन जुटाने में कामयाब हो गया था, लेकिन दोस्तों ये छोटे टीमों के साथ जो मैचेस है, छोटा मैं उनको छोटा करके वो छोटा नहीं कह रहा हूँ, जो लोग अभी मतलब जिम्बाब्वे जैसे टीम या फिर आयरलैंड जैसे टीम, ये लोग तो अभी उभरता हुआ टीम है। इंडिया जहाँ पर मैच खेलता है ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंग्लैंड के साथ, सभी लोग भर में बैठ के मैच एंजॉय करते हैं, वहाँ पर दर्शक भी बहुत सारा होता है। और जिम्बाब्वे या फिर आयरलैंड पे जो मैचेस हो रहा है वहाँ पर तो ज़्यादा दर्शक ही नहीं आते हैं, वहाँ पर तो हम लोग भी बहुत सारे क्रिकेट प्रेमी अभी मैच देखते नहीं है, क्योंकि ये सब छोटे टीमों के साथ मैच होता है, ये लोग तो हारेगा ही, वन साइडेड मैच होगा। हाँ, हालांकि आयरलैंड के साथ जो T20 सीरीज हुआ था वहाँ पर इंडिया को तगड़ा कॉम्पिटिशन दिया था आयरलैंड ने, अभी जिम्बाब्वे क्या करेगा वो तो देखने वाली बात है। लेकिन दोस्तों जहाँ पर बड़े बड़े कंट्रियों के साथ मैच खेल के सब लोगों का मनोरंजन होता है, पैसा भी कमाते हैं क्रिकेट बोर्ड्स, तो वो सब क्यों नहीं होता है, वहाँ पर सिर्फ इन सब टीमों के साथ मैच क्यों खेला जा रहा है। दोस्तों चलिए बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ICC ये डिसाइड नहीं करता है कि किसके साथ मैच किसका होगा। ICC सिर्फ वही डिसाइड करता है कि T20 वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी या फिर टेस्ट चैंपियनशिप कब होगा। बायलेटरल सीरीज ICC डिसाइड नहीं करता है। तो दोस्तों यहाँ पर बायलेटरल सीरीज कौन डिसाइड करता है? दोस्तों बायलेटरल सीरीज बोर्ड के आपस में, जी हाँ दोस्तों, जिम्बाब्वे बोर्ड और टीम इंडिया के बोर्ड यानी BCCI के बीच बात होता है और उसके बाद ही बायलेटरल सीरीज खेला जाता है। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इन लोगों के साथ साल में मल्टीपल टाइम बायलेटरल सीरीज होता है, लेकिन जिम्बाब्वे के साथ क्यों नहीं होता है? कभी कभार होता है, तो कभी कभार ही खेलना है तो खेल क्यों रहे हो, मत खेलो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ICC का और एक रूल आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, ICC का जो लॉ में लिखा हुआ है, जो टेस्ट प्लेइंग क्रिकेट नेशंस है, अभी फिलहाल 12 टेस्ट प्लेइंग क्रिकेट नेशंस है, उन लोगों के साथ किसी भी टीम को 4 साल में मिनिमम एक बार सीरीज खेलना ही होगा, और वो सीरीज उन दो देशों के किसी भी होम ग्राउंड में खेला जाएगा। आप कहेंगे पाकिस्तान के साथ तो ऐसा नहीं होता है टीम इंडिया की। दोस्तों पाकिस्तान के साथ टीम इंडिया की जो अभी पॉलिटिकल इशू चल रहा है वो ICC को वाकिफ है, तो ऐसे केसों में एक्सक्लूशन मिलता है। जैसे पाकिस्तान ने UAE को अपना होम ग्राउंड बना लिया था और वहां पर पाकिस्तान ODI T20 सब खेलते थे। तो अभी 12 जो क्रिकेट प्लेइंग नेशंस है उनमें तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, इंडिया, सबको आपको बात पता ही है। लेकिन दोस्तों जिम्बाब्वे, आयरलैंड और अफगानिस्तान भी इसी लिस्ट में है। तो आयरलैंड, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान के साथ 4 साल में एक बार मिनिमम किसी टीम को खेलना ही होगा सीरीज। और इन तीन देशों में सबसे पुराना जो टेस्ट प्लेइंग का खिताब मिला था वो था जिम्बाब्वे को 1992 में, आयरलैंड और अफगानिस्तान को टेस्ट प्लेइंग नेशन का खिताब मिला था 2018 सालों में। एक्चुअली खिताब नहीं, ये होगा स्टेटस मिला था। तो उसी कारण इंडिया के साथ ये जिम्बाब्वे या फिर आयरलैंड का मैचेस हो रहा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इन सब देशों के साथ मैच खेला जाए आगे जाकर रेगुलरली, या फिर ऐसे ही 4 साल में एक बार और टाटा बाय बाय? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों। मुझे इंतजार का दोस्तों आपके टिकट कमेंट का।